एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरमा सुमंत्रा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल के बारे में। पोर्टल का नाम है नेशनल करियर सर्विस। यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट स्टिल आई थॉट कि चलो एक मैं मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विस एक जो पोर्टल ऐप है वो कैसे काम कर सकता है, ये हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बाद में देखते हैं कि यहाँ पर हम जॉब्स किस टाइप के हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में देते हैं मैं देती हूँ एक आपको एक बोनस टिप जिसके थ्रू आप खुद को अपडेट भी कर सकते हो और जो कि आपको जॉब मिलने के लिए भी बहुत ईजी जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, नेशनल करियर सर्विस एक ऑनलाइन जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब जनक एक रिक्रूटमेंट कंपनी के जैसा है, जहाँ से हम अपने लिए अपने चॉइस की जॉब ढूंढ सकते हैं। और इट इज़ द गुड थिंग कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मतलब प्राइवेट नहीं है, तो फेक नहीं है, 100% ट्रस्टवर्दी है, जेन्यून है। हम यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेटर वे कि हम प्राइवेट पर ज़्यादा ध्यान देने से बेटर है कि इंडियन गवर्नमेंट पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से सर्विसेज ये पोर्टल हमें दे रहा है। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे कि देखो मान के चलो जॉब सीकर के लिए है, लोकल सर्विसेज है, करियर सेंटर है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, स्किल प्रोवाइडिंग से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और भी बहुत ज्यादा है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से टाइप के जॉब्स मिलेंगे। तो गाइस देखो, यहाँ पर हर एक टाइप का जॉब अवेलेबल है। मान के चलो कि अगर आप 12th पास भी हो तो भी आपके लिए जॉब यहाँ पर मिल सकता है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आपके लिए जॉब्स है। आपके स्किल से रिलेटेड हर एक किस्म का जॉब यहाँ पर है। फिर देखो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि इन लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, डेटा एंट्री से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। तो जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं उन सारे फील्ड्स यहाँ पर डिनोट किए हुए, तो जैसे आपके स्किल्स है उसी तरह का जॉब आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम जॉब कैसे ढूंढे और यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए NCS नेशनल करियर सर्विस, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रही है आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आएगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है हमें कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो ये जो सर्विस है फिलहाल के लिए 90% जो जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है ड्यू टू द कोविड 19 की सिचुएशन के अनुसार, यहाँ पर हमें वर्क फ्रॉम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स के लिए हम देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये इस इंटरफेस में आप देख सकते हो कि सामने आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक वर्क फ्रॉम होम, फिर दिख रहा है आपको कि जॉब फेयर्स के रिलेटेड है, और फिर है ट्रेनिंग के रिलेटेड। तो जॉब फेयर्स यानी कि जहाँ पर भी कोई जॉब फेयर हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इसे अटेंड कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी आपको अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो फिलहाल हम जॉब वर्क फ्रॉम जॉब के लिए बात करें तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस पर देखिए कि आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है जो रिलेटेड टू आपके, मतलब यहाँ पर आपको किस रिलेटेड जॉब चाहिए वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आपके कीवर्ड्स आप यहाँ पर दीजिए, जैसे आप मार्केटिंग से रिलेटेड चाहते हो तो आप यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड दीजिए। फिर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, कौन से रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे, क्या वर्क फंक्शन है, ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर फिल करते हो तब ऑप्शन आता है सर्च का। जब आप सर्च करते हो तो जो कीवर्ड्स आपने डाले हैं उसी से रिलेटेड जॉब्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैंने PHP से रिलेटेड डाला तो मुझे ये PHP से रिलेटेड जॉब दिखाई दे रहा है। अब जब यहाँ पर ये जो जॉब आपको अच्छा लगता है उस जॉब पर आप क्लिक कीजिए, तो उसके बाद में आपको उसका नेक्स्ट इंटरफेस दिखेगा। तो इस नेक्स्ट इंटरफेस पर आपको उस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब ये जॉब पोस्ट कब किया है, फिर यहाँ पर इसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है, इसका पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, और इवन दो इस कंपनी से रिलेटेड उनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। मान लो कि अगर आपको इससे कोई रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली इन लोगों से ईमेल कर सकते हो या कॉन्टैक्ट करके वो क्वेरी को हम इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मुझे इस साइट की बहुत अच्छी बात लगी है। ठीक है गाइज, फिर अगर आपको ये ठीक लगता है सब जॉब का तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस पर हमें क्या करना है, तो लॉग इन होना है। देखो गाइज, गवर्नमेंट जॉब का पोर्टल है तो हमें लॉग इन होना जरूरी है, हमें पहले से इस पर रजिस्टर होना है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर साइन इन नहीं किया है तो अगर आपके पास आईडी है ऑलरेडी तो आप साइन इन कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। ये वाला फॉर्म आएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे आपकी पूछेगा, इसको फिलअप कर दीजिए, फिर आप इस पर रजिस्टर होते हो और इस साइट के थ्रू आपको एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा। मानो कि इसका एक कार्ड है, आईडी कार्ड है ऐसे, और उस आईडी कार्ड को यूज कर हम
ये जॉब से मतलब इस पोर्टल से रिलेटेड जो कोई भी जॉब्स हैं या जो कोई भी ट्रेनिंग्स हैं या जो कोई भी फेयर्स होते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेरी मान के चलोगे तो गाइस सर 10 मिनट निकाल दीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, लाइफ टाइम के लिए ये अच्छा रहेगा। हमें हर एक जो इसकी जो सर्विसेस है वो यूज हम कर सकते हैं इन फ्यूचर भी, तो आप यहाँ पर ज्वाइन रजिस्टर कर यहाँ पर लॉग इन कर दीजिए तो आप जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई इस ओवरऑल साइट के बारे में बात। अब बात करते हैं बोनस टिप। देखो गाइस जब मैं इसके साइट के थ्रू जा रही थी तो मुझे ये दिखा कि एक ऑनलाइन यहाँ पर एक जो ट्रेनिंग्स दिख रहे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। देखो गाइस जो चीज हमें फ्री में मिलती है ना उन चीजों की हम ज्यादा अहमियत नहीं करते हैं। जहां पर हम पैसे देकर करते हैं ना तो वो लगता है कि हमें मतलब कुछ तो प्रीशियस है, लेकिन नहीं गाइस ये देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ट्रेनिंग पोर्टल, मतलब यहाँ पर हमें ड्यू टू द COVID-19 सिचुएशन ये हमें वर्क मतलब घर पर बैठकर ही ये हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग्स है। मतलब अगर आप फिलहाल के लिए कुछ सीख रहे हो और या आप टीचर हो और खुद को अपडेट करना चाहते हो तो इन ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग्स जो है वो ऐसे कंपनी से रिलेटेड है, मान के चलो कि ये ट्रेनिंग्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से हमें मिल रहे हैं और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है जैसे कि AICTE है, NCERT है, इग्नू है, जो कि एजुकेशन में जिनका बहुत अच्छा नाम है, तो वो सारे साइट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है जो कि हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ऑडियो वीडियो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर है। और तो और ये लोग जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो असेसमेंट्स भी दे रहे हैं हमें, और अगर हम उन असेसमेंट्स को क्लियर करते हैं तो हमें ये लोग अगर जिस ट्रेनिंग हम ले रहे हैं उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। तो मान के चलो अगर हमें आपके पास में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होगा तो गौर कीजिएगा आपका रिज्यूमे कितना हेवी बनेगा, और तो और आप अपडेट भी हो पाओगे, उस आपके नॉलेज भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो तो भी आप एटलीस्ट इसकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए, ये बहुत यूजफुल है। मैं खुद यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए PHP से रिलेटेड ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आप भी जरूर कीजिए। घर पर बैठकर करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो ये ट्रेनिंग्स भी आप घर पर कभी भी किसी भी टाइम पर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो है, तो आपको जैसे टाइम मिलता है ये ट्रेनिंग्स पूरी कीजिए, इसके सर्टिफिकेट्स लीजिए, इन सर्टिफिकेट्स को आपके रिज्यूमे पर डिनोट कीजिए, आपका डेफिनेटली रिज्यूम जो है वो बहुत हेवी बनेगा और आपको जॉब मिलने में भी बहुत आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।